जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? कह रहा है कि यह एक तरल ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसकी उत्पत्ति कहां से होती है? भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होती है। और इससे बात करेंगे, यह जल से कुछ भारी होता है, जल से कुछ भारी होता है, जिसका घनत्व होता है 1.104 से लेकर 1.107 केजी प्रति मीटर। अगर इसकी प्रकृति की बात करेंगे तो ब्लड जो होता है, खून होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको पता होना चाहिए जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है। तथा यह अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके। तो आप खून के आर पार न देख सकते हो, तो यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। आगे बात करेंगे कि यह शरीर का 7 से 8% बनाता है। यानी एक उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो है 70 किलो का है तो उसका 7 से 8% लगभग 5 से 6 लीटर होगा, तो उसके शरीर का 5 से 6 लीटर खून होता है। आगे बात करेंगे रुधिर के घटक, यानी रुधिर दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिर कणिका। प्लाज्मा जो होता है वो खून का आपका 55% बनाता है, तथा जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो 45%। इस 55% को भी दो भागों में बांटा गया है, तो जो 55% प्लाज्मा में होता है उसका 90%, 55% का 90% पानी होता है, और 10% जो होता है जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर बनाते हैं। भैया बात करेंगे रुधिर कणिकाओं के, तो रुधिर कणिकाएं दो प्रकार की आपको पता होना चाहिए, आरबीसी, जैसे हम रेड ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। दूसरे भाग की बात करेंगे तो WBC होता है, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स कहते हैं, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसका जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। अगर हम रुधिर के कार्य की बात करेंगे तो रुधिर का कार्य यानी ब्लड का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक हम पहुंचाना चाहते हैं, तो हम किसका कौन हमारे शरीर में ऐसा पदार्थ है जो एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, तो उसका नाम है ब्लड। दूसरा है पोषक पदार्थ, यानी जो पोषक पदार्थ हो गए, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सभी को अगर एक स्थान से शरीर में दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो उसको पहुंचाने का कार्य ब्लड करता है। तीसरा होता है शरीर के ताप, यानी हमारे जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रण करना है, तापमान अधिक करना है या कम करना है उसको नियंत्रण में रखना है, तो ये ब्लड का ही कार्य होता है। ब्लड का कार्य होता है रोगों से बचाव, रोगों से बचाने के लिए ब्लड ही सहायक होता है। आगे होता है रुधिर का थक्का, यदि आपको कहीं चोट लग जाती है, आप जख्मी हो जाते हैं और वहां से खून बहने लगता है, तो वहां जो खून का थक्का बनता है वो इसी वजह से बनता है। अगर खून का थक्का नहीं बनेगा तो आपका खून ब्लड बार बार बहता रहेगा और घाव आपका मतलब अच्छा नहीं होगा, घाव भरेगा नहीं। तो ये खून का कुछ कार्य हो गए, ऑक्सीजन का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन, शरीर के ताप का नियंत्रण, रोगों से बचाव, और रुधिर का थक्का बनना और घाव होना। आज की वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाल दिल फेंक के मारें।